जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कि प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है। ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और आप किस प्रकार से इसे हल कीजिएगा कि आपको नंबर प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए, आपका जो प्रश्न है दिया हुआ कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, और आपका समीकरण दिया हुआ एक्स प्लस में वाई बराबर 14 और उसके बाद एक्स माइनस वाई बराबर 4, यानी कि इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट कर लेते हैं और इसे हम समीकरण नंबर सेकेंड कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यदि दोनों समीकरण में से पहले हम किसी एक समीकरण से बनाना स्टार्ट करेंगे, या तो समीकरण फर्स्ट से बनाएंगे या तो समीकरण नंबर सेकंड से बनाएंगे, कोई एक ही को पहले लेते, यानी कि समीकरण वन या समीकरण टू से लेकर के चलेंगे। तो देखिए, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, नहीं तो पहले लिख लेते हैं हल यहाँ पे, और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट यानी कि वन से। समीकरण वन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। अब देखिए, इस प्रकार से आप एरो का साइन दीजिएगा क्योंकि बीच में क्या है, बराबर का साइन दिया हुआ, या तो यहाँ पे या लिखिएगा या फिर आप एरो का साइन दीजिएगा। देखिए, दोनों में से कोई एक, अगर या लिखते हैं तो एरो का साइन नहीं दीजिएगा, और फिर अगर एरो का साइन देते हैं तो फिर या नहीं लिखिएगा। चलिए, यहाँ पे x प्लस वाई, तो हम x को इस तरफ यानी कि बराबर के बायां पक्ष की ओर रख लेंगे और y को हम बराबर के दायां पक्ष की तरफ ले जाएंगे। देखिए, बराबर ये 14 है और y को हम इस तरफ लेकर के आएंगे, तो बराबर के दायां पक्ष में, सॉरी, बराबर के बायां पक्ष में प्लस में है और इसको हम दायां पक्ष में लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में। इसको क्या लिखेंगे, माइनस वाई। ये जो आपका हो गया, आप इसे समीकरण नंबर थर्ड नाम दे दीजिए, यानी कि समीकरण नंबर तीन इसको कह सकते, यानी कि तीन नाम दे दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे एक्स का मान क्या आ गया, 14 माइनस वाई, यानी कि हम इसे समीकरण तीन मान लिए। अब देखिए, समीकरण तीन को समीकरण नंबर टू में रखेंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि समीकरण नंबर वन से अगर चले हैं तो समीकरण तीन के मान समीकरण नंबर दो में रखेंगे, अगर यहाँ समीकरण नंबर दो से चल रहे तो यहाँ समीकरण नंबर थर्ड का मान समीकरण नंबर एक में रखेंगे। तो यहाँ तो हम समीकरण नंबर एक से चले, इसलिए समीकरण नंबर थर्ड का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर सेकंड में लिखेंगे। यहाँ समीकरण तीन का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब देखिए, x माइनस वाई बराबर 4, तो x का मान कितना है, 14 माइनस वाई, तो जहां x लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे, 14 माइनस वाई, तो लिख देंगे 14 और माइनस वाई। ये अभी हम x का मान रखें, क्या चीज का मान रखें, x का, फिर उसके बाद माइनस है तो फिर हम ये माइनस दे देंगे, और y है तो फिर y, बराबर का साइन है तो बराबर का साइन दे देंगे, और 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए, बराबर के बायां पक्ष में क्या है, 14 माइनस वाई माइनस वाई, तो देखिए 14 का 14 लिख लिए, और देखिए माइनस y और माइनस वाई, यानी कि माइनस एक वाई और माइनस एक वाई, तो क्या होगा, माइनस दो वाई इक्वल टू क्या होगा, 4। अब इधर देखिए, माइनस दो वाई इक्वल टू यहाँ 4, और बराबर के इस तरफ जो 14 था प्लस में था और उस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे देखिए, माइनस टू वाई बराबर, यानी कि प्लस में 4 है और माइनस में 14, यानी कि प्लस और माइनस, यानी कि यहाँ पे घटेगा, क्योंकि अगर साइन डिफरेंट रहता है तो वहाँ पे कंडीशन घटने, यानी कि घटने का कंडीशन लागू होता है। तो देखिए, यहाँ पे प्लस की संख्या 4 है और माइनस की संख्या 14 है, तो पहले घटेगा, तो 14 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, आपका 10 बचेगा। और जिस संख्या के साइन, यानी कि जौन से संख्या के पहले साइन जो ज़्यादा होता है उसको हम साइन को लिखते हैं, तो 4 के पहले प्लस है और 14 के पहले माइनस है, तो माइनस वाला संख्या ज़्यादा है यानी इसे हम माइनस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए इसे हम फिर मिटा दीजिए। चलिए अब इधर देखिए, तो 2y बराबर कितना हो गया 10, और y बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे में 2, कटेगा तो क्या आएगा 5, y का मान कितना आ गया 5 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब y का मान निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं, यानी कि y का मान किसी में भी अगर पुट कर देते हैं तो x का मान आ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा हुआ आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी तरीके से x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, देखिए x बराबर 14 माइनस y, तो x बराबर 14 और माइनस y, तो देखिए x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है 5, यहाँ कितना लिख देंगे 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 में से 5 के घटाइएगा तो कितना होगा 9 5 14, देखिए यानी कि 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9। अब लिखेंगे यहाँ अतः है अतः x बराबर आपका आ गया 9 और y बराबर आपका आ गया कितना 5, यही आपका क्या होगा आंसर। इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि के समीकरण जो होगा आप हल कीजिएगा, तब जाकर के आपका पूरा में पूरा मार्क्स आएगा। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब हम दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर आपका प्रश्न है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 और x प्लस y इक्वल टू 5, इसे समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए और इसे समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम यहाँ पे हल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इससे पहले जो प्रश्न था उसमें हम समीकरण नंबर 1 से चले थे, ठीक है, इस वाले प्रश्न में हम समीकरण नंबर 2 से चलेंगे, ताकि समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 अगर भी बनाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल उतना ही आएगा, बनाने का तरीका वही रहेगा, आपको आसानी तरीका से बनाने भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से आपकी बना रहे हैं, देखिए x प्लस y इक्वल टू कितना है 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 और माइनस y, और इसे हम क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ये तीसरा नंबर समीकरण हुआ। अब देखिए लिखेंगे यहां समीकरण 3 यानी 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए हम इससे पहले प्रश्न बताते हैं कि अगर समीकरण नंबर 1 से चल रहे हैं तो 3 जो आएगा तो 3 का मान 2 में रखिएगा, तो इस बार हम समीकरण नंबर 2 से चल रहे हैं तो 3 का मान है, और 3 का मान हम किस में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए समीकरण 1 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, देखिए 2 लिख लिए x का मान क्या दिया हुआ है x बराबर है 5 माइनस y, तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 5 माइनस y, तो यहाँ लिख देंगे 5 और माइनस y लिख देंगे, देखिए यहाँ फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 3y है तो 3y लिख देंगे इक्वल टू, फिर 4 है तो फिर 4 लिख देंगे। चलिए उसी प्रकार से अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर लेंगे, तो 5 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा जी 10, चलिए इसके बाद फिर इससे गुना करेंगे लेकिन यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 में y से गुना होगा तो क्या होगा 2y,
माइनस है तो फिर माइनस दे देंगे, और थ्री वाई है तो थ्री वाई लिख देंगे, अब बराबर में अगर फोर है तो फिर हम क्या लिख देंगे, फोर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए दस है और माइनस दो वाई और माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो देखिए दस है तो दस लिख देंगे और माइनस टू वाई, ठीक है, यहाँ क्या है टू वाई माइनस में और माइनस में थ्री वाई, यानी कि माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन साइन रहता है माइनस के, तो माइनस में टू वाई और माइनस में थ्री वाई, तो क्या होगा माइनस में फाइव वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर होगा। चलिए इधर बनाते हैं, देखिए माइनस में फाइव वाई इक्वल टू फोर, देखिए बराबर के बायां तरफ जो आपका दस है प्लस में, और इसको हम दायां तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस दस। देखिए माइनस फाइव वाई इक्वल टू दस में से चार घटेगा तो माइनस छः, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए वाई का मान कितना हो जाएगा जी, छः हो जाएगा ऊपर और नीचे बटा में क्या चल जाएगा फाइव, यानी वाई का मान क्या हो जाएगा आपका छः बटा पाँच। अब देखिए अब हम y का मान निकाल लिए हैं यहाँ पे, अब x का मान निकालेंगे, तो y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखना पड़ेगा। देखिए y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर थर्ड क्या है x बराबर, देखिए x बराबर फाइव माइनस वाई, तो x बराबर फाइव माइनस y का मान कितना है सिक्स और बटे में फाइव, इसके बटे में वन ले लेंगे और फ्रैक्शन मल्टीप्लाई यानी कि भिन्न का घटाव बनाएंगे, तो x इक्वल टू एलसीएम क्या होगा पाँच। देखिए पाँच में आप भाग लेगा तो पाँच में पाँच से गुना होगा, तो पाँच पचे पच्चीस माइनस पाँच से पाँच में भाग लगाएंगे तो एक आएगा और ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा छः, छः में एक से गुना होगा तो छः होगा। चलिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू पच्चीस में से छः को घटाइए क्या बच जाएगा उन्नीस बच जाएगा आपका, और लास्ट यानी कि बटा में क्या बचेगा पाँच, तो एक्स का मान कितना आ गया उन्नीस और बटे में पाँच, अतः एक्स बराबर उन्नीस बटा में पाँच आ गया और वाई बराबर कितना है छः बटा में पाँच, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो आपका पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी आप बनाइएगा, इसके लिए हम आपको एक प्रश्न दे देते हैं, आप उसका प्रश्न को हल करके आप कमेंट में आंसर को कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए ये आपके लिए प्रश्न है, यानी प्रश्न है कि 3x प्लस 4y बराबर 10, यानी कि 3x प्लस 4x बराबर 10, और फिर आपका दूसरा समीकरण है x माइनस 4y इक्वल टू 2, यानी कि ये आपका प्रश्न है। आप प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को हल कीजिएगा और हल करने के बाद आप कमेंट में आंसर कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार आपको अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि, ग्राफीय विधि और वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो सभी का वीडियो बना करके बताया जाएगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि में जो भी समीकरण अगर आएगा बनाने के लिए तो आप अच्छे तरीके से बना दीजिएगा और आपका नंबर पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।